13 साल का एक लड़का भागते हुए गांव में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, अरे भागो भागो, कल जैसा आज भी एक डिब्बा गाड़ी आ रही है, अरे सब छुप जाओ। अचानक पुलिस गाड़ी पहुंच जाती है। पुलिस लाउडस्पीकर पकड़ कर लोगों को सावधान करते हुए बोलती है, सुनिए सुनिए सुनिए, इस गांव के भाइयों बहनों माताओं, आपसे अनुरोध है कि आप भागे नहीं और शांति से हमारी बातों को सुने। कोरोना एक जानलेवा बीमारी है जो हमारा एक बहुत बड़ा शत्रु है, इसलिए हम सबको फिर से एक वीर योद्धा बनना है और इस कोरोना रूपी वायरस को पराजित करना है। पर इसके लिए हमें कुछ सावधानी बरतनी होगी। जैसे ये कोरोना वायरस किसी व्यक्ति के खांसते या छींकते समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में संक्रमित होता है, इसलिए आप लोग दूसरे लोगों से कम 2 मीटर की दूरी बनाए हुए रखें। यह वायरस किसी भी वस्तु या मेटल पर चिपक कर रह सकता है, अतः आप सबसे अनुरोध है कि अपने हाथों को बार बार आप धोएं। इस कोरोना रूपी राक्षस को हराने के लिए और भी कई निर्देश हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक है, जैसे कि अपने मुंह पर मास्क लगाना, घर से बाहर न निकलना, एक जगह पर अधिक संख्या में एकत्र न होना, जैसे थिएटर, धर्म स्थान, शॉपिंग मॉल इत्यादि। अगर हम इन निर्देशों का पालन करेंगे तो हम अति सहजता से इस कोरोना रूपी राक्षस को परास्त कर लेंगे। किसी महापुरुष ने ठीक ही कहा है, एक आदेश में जो चलेगा उनको लेकर समाज होगा। चलें, हम इस आदेश का पालन करके कोरोना रूपी वैश्विक महामारी को उखाड़ फेंके और समग्र मानव जाति का विजय ध्वज लहराएं।